बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डेली लाइफ विद इरफान। आज हमने बनोला और मकई की खल बनानी है और देखेंगे किस तरह से छोटे पैमाने पर देहातों में बनोला और मकई की खल बनाई जाती है। तो आज हम तकरीबन तमाम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे और उम्मीद करूंगा मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। फ्रेंड, ये दलिया बनाने के लिए ये मशीन है। सबसे पहले मकई का दलिया बनाएंगे। माशाल्लाह काफ़ी सारे ठेले मकई के दलिये से भर गए हैं। अब ये जो नीचे मकई के दाने गिर गए हैं इनको झाड़ू की मदद से इकट्ठा करके इसमें बथल में डालकर चक्की में डालेंगे ताकि इनका भी दलिया बन जाए। माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मकई का दलिया बन गया है। तो अभी हमने बनोला की बोरियों का वजन करना है। खल बनाने के लिए दो फीसद बनोला और 1% उसमें मकई का दलिया डाला जाता है ताकि उसका आयल ना निकले। तो अभी हमने बनोला का वजन करना है। खल बनाने के लिए बनोला कितनी मकदार में डालते हैं और ये मकई कितनी मकदार में डालते हैं? 1% मकई और 3% बनोला। अच्छा, अब बनोला में ये मकई ग्राइंड करके इसमें
फ्रेंड्स आज का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।